Okay, so let us start with first chapter, units and measurements. And I expect ki aap sabko different system of units pata hai. So ideally, I mean, going back in time, we started with CGS system. CGS system mein aapko pata hai ki length is measured in centimeter. So it is centimeter, mass in gram and time in second. Then ये सिस्टम डिस्कार्ड क्यों हुआ, व्हाई वी डोंट यूज इट एनी मोर, क्योंकि ये सिस्टम बहुत छोटा है. फॉर एग्जांपल यू कैन मेजर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ओनली ऑन दिस बोर्ड, मे बी ऑन योर बुक, मे बी इन दिस क्लासरूम. लेकिन जब बड़े डिस्टेंस की बात होती है तो सेंटीमीटर बिकम्स वेरी इररिलेवेंट यूनिट. अगर आपको दो सिटीज का डिस्टेंस मेजर करना है तो यू कैन नॉट मेजर इन सेंटीमीटर्स, नॉट इवन इन मीटर्स. तो दैट इज व्हाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये जो यूनिट है दिस इज द स्मॉलेस्ट. तो याद रखना नंबर वन दिस इज स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट. मास इन ग्राम, अगेन प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राम भी आप टू सम एक्सटेंट यू कैन यूज. फॉर एग्जांपल ओनली इफ यू गो एंड बाय समथिंग लाइक गोल्ड, कभी आप हार्डली ग्राम की बात करोगे. पर रियल लाइफ में व्हेन यू गो एंड बाय एनीथिंग इवन ग्रोसरी, तो हम आजकल बोलते नहीं कि मुझे 10 ग्राम शुगर दे दो, अबाउट 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम एंड टाइम इज इन सेकंड. तो बिकॉज ये सिस्टम जो है सीजीएस इट वाज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो एक नया सिस्टम की जरूरत पड़ी, दैट इज एमकेएस, डिस्टेंस इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड. ओके, देन That time, मतलब आज से 100-200 साल पहले, because the world was not really global. Global नहीं था तो हर एक कंट्री का अपना अपना सिस्टम था. तो स्पेसिफिकली ब्रिटेन, they were using FPS, foot pound second. और क्योंकि इन लोगों ने आधी दुनिया पर राज किया, you know, you will still find this units in use even in India, foot. आप प्लॉट लेने जाओ तो आज भी आप स्क्वायर फीट की बात करते हो. If you watch wrestling, इन केस यू वॉच रेसलिंग, तो उसमें वो वेट पाउंड में लिख के आता है, राइट, एंड टाइम इज इन सेकेंड. तो दिस वॉज स्पेसिफिकली यूज इन ब्रिटेन ओनली, बट लेटर ऑन इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिट बहुत छोटा है. फीट, 1 फीट इज हाउ मेनी इंचेस बाय द वे, वेल 1 इंच इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स. Okay, so this is a small unit again, and of course it is not also global. So ये किसी एक particular country में use होता है. So we need a unit जो globally internationally accepted हो. So we have a unit now which is SI system of units. SI system is basically ये actually SI standard international बोलते हैं, but the name comes from French language, I guess. So anyways, standard international system में आपको पता है length is measured in meter. Then mass in kilogram, mass in kilogram and time in second. Good. So as you can see, MKS system में भी mass kilogram second था, SI system में भी mass kilogram second है. So what is the difference between these two? SI unit of system में there are 7 fundamental quantities: length, mass, time, luminous intensity, amount of substance, temperature, electric current. So there are 7 fundamental quantities: length, then mass, then time and temperature. And then you have basically electric current, and then you have luminous intensity, and then you have amount of substance. अब ऐसा क्यों है कि बाकी सब सिस्टम में यू हैव ओनली 3, लेंथ, मास एंड टाइम, और एसआई में देयर आर 7. देयर इज नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. सिंपल सा रीजन ये है दैट
सीजीएस एमकेएस एफपीएस ये पुराने सिस्टम है, मतलब ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड थे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए. अगर आपको अभी छोड़ दो, अभी वी आर हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रेस, लेकिन थिंक ऑफ स्टोन एज. अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यू शुड हैव रफ आइडिया अबाउट डिस्टेंसेस कि यहाँ से वहां जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा. तो डिस्टेंस वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि डिस्टेंस पता होगा तो ये समझेगा कि कितना टाइम लगेगा, नहीं तो सुबह निकले और रात तक पहुंचे ही नहीं. तो जंगली जानवर, उनको भी भूख लगती है. सो यू विल बिकम फूड फॉर देम. सो दैट इज वाई फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इट वॉज रिक्वायर्ड टू नो डिस्टेंस रफली. देन वेट ऑफकोर्स, अभी कोई जानवर आ गया है अटैकिंग मी, तो आई कैन नॉट टेक अ स्मॉल पीस एंड थ्रो. तो यू शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट वेट. उसके लिए मास वॉज रिक्वायर्ड अगेन फॉर सर्वाइवल एंड टाइम द सेम थिंग. जैसे जैसे ह्यूमन दिस एडवांस हुआ, यू शुड ऑल्सो नो टाइम, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है टाइम पे. इवन वेन यू एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टाइम, टू नो सीजन ऑल्सो. तो दैट इज वाई यू विल सी जो पुराने सिस्टम्स है, देर आर ओनली थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. क्योंकि ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. वंस यू सर्वाइव यू प्रोग्रेस, देन वेन यू प्रोग्रेस यू नीड मोर यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर, देन यू नीड टू नो वॉट इज इलेक्ट्रिक करंट, वॉट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जरूरत क्या है, बिकॉज यू नीड टू कंपेयर. आपके पास दो लाइट के सोर्सेस है. फॉर एग्जाम्पल दो स्टार्स को आप देख रहे हो, एक स्टार कम ब्राइट है, एक स्टार ज्यादा ब्राइट है. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब हाउ मच लाइट और हाउ ब्राइट इज वन सोर्स कंपेयर टू अदर सोर्स. देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब जब मास आप मेजर कर सकते हो तो व्हाई डू यू नीड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे साइंटिफिकली एडवांस हुए, तो हम गैसेस का जब स्टडी करते हैं तो गैसेस यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो यू हैव टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. वन मोल ऑफ गैस, टू मोल ऑफ गैस, थ्री मोल ऑफ गैस, सो दैट इज वेयर यू नीड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो बेसिक डिफरेंस नंबर वन. और भी बेसिक डिफरेंस है एमकेएस में और एसआई सिस्टम में, देर आर टू डिफरेंसेस. एक तो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे सात है. दूसरा, इन एमकेएस सिस्टम देर आर नो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. पर एसआई में देर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑल्सो. पता होगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि नाउ वी ऑल मोर और लेस हम एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं मोर और लेस. सिर्फ कहीं कहीं एक्सेप्शन है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी यूज फॉर प्रॉपर्टीज, वी स्टिल यूज स्क्वायर फीट, राइट. अब वो भी धीरे धीरे स्क्वायर मीटर में आ रहा है हमारे यहाँ पे. तो मोर और लेस द होल वर्ल्ड इज नाउ यूजिंग एसआई सिस्टम. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट. लेंथ मेजर करना है तो आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, बट स्केल इज इंस्ट्रूमेंट, वो कोई और क्वांटिटी नहीं है, राइट. अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है दो पॉइंट का, तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन टाइम, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मास. आज भी, कल भी, 10 साल के बाद भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, दो पॉइंट का डिस्टेंस ही रहेगा, सेम रहेगा. तो फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, स्केल तो लगेगा ही. हाउ हाउ कैन यू मेजर? पहले हम हाथ से मेजर करते थे. वी यूज टू से ओके, वन हैंड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बट योर हैंड वॉज एक्टिंग एज इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट. तो फंडामेंटल यूनिट्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? आर्बिट्री नहीं होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड विच इज यूज फॉर कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल सिंपल, सब्जी लेने गए होंगे कभी, तो दे हैव अ वेइंग पैन, राइट. तो एक साइड में 1 किलो का एक पत्थर रखा होता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड यू आर यूजिंग.
तो जो स्टैंडर्ड आप यूज करते हो किसके लिए यूज करते हो, टू कंपेयर, टू मेजर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हो यूनिट। अनदर एग्जांपल, मैंने अभी आपको हाथ का एग्जांपल बताया, फीट कहां से आया, फीट यहीं से आया कि व्हाट द लेंथ ऑफ फीट, किसी एक पर्सन का फीट दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, राइट। वो बाद में डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज हर किसके हाथ का पाव का साइज सेम नहीं होता है, तो द स्टैंडर्ड दैट यू यूज इज कॉल्ड एज यूनिट। ये कंपैरिजन पर्पस से है, तो होना भी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव अ शर्ट और मैं कपड़ा लेने गया, मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा दे दो एंड ही कैन गिव मी अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, तो बोलेगा ये मेरे लिए 2 मीटर है, अगर अपने हाथ से मेजर करेगा तो वो छोटे बच्चे को रख देगा मेजर 2 मीटर, राइट। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, तो दो स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज यूनिट्स। तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर, मास टाइम सेकेंड, टेम्परेचर इज नॉट डिग्री सेल्सियस इट इज केल्विन, इंटेंसिटी कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, करंट इज एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो डिफाइन कैसे करते हैं दैट इज अनदर स्टोरी, पर हम उसमें जाएंगे नहीं अब। देन देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसमें से एक तो आप स्कूल में ही सीखते आए हो जिसको आप एंगल बोलते हो, सिंपल लैंग्वेज में दैट इज एंगल इन अ प्लेन और एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर आपके पास दो लाइन है उसमें जो एंगल बनेगा थीटा उसको आप बोलते हो प्लेन एंगल। व्हाई प्लेन एंगल, क्योंकि ये एंगल दो लाइन के बीच का है और ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, राइट। इसको आप थीटा या डी थीटा, डी थीटा इज फॉर स्मॉल वैल्यूज, तो यू कैन यूज थीटा और डी थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपने सीखा ही है, मान लो ये आर्क लेंथ है ए बी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू नो वॉट इज आर्क लेंथ, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल नॉट अ स्पीयर ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट आर्क। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्कल है, देन यू हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल, ये जो आर्क है ए बी ये जितना भी एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। तो वाइल डिफाइनिंग प्लेन एंगल मैं पूरा सर्कल तो नहीं दिखा रहा हूं बट आई एम जस्ट शोइंग अ वेरी स्मॉल पार्ट। सो आर्क ए बी जितना भी एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे दैट इज प्लेन एंगल। एंड इफ यू रिमेंबर नॉर्मली हम इसको एस से डिनोट करते हैं, नॉर्मली लेंथ ऑफ आर्क इज डिनोटेड बाय एस। एंड इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, हाउ डू डिफाइन लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर इनटू थीटा, तो एस इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इक्वल टू एस बाय आर। तो इन शॉर्ट प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू दैट ऑफ रेडियस। अब आर्क लेंथ भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ एंड लेंथ कैंसल आउट, तो थीटा इज डायमेंशन लेस, इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, बट इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है दैट इज रेडियंस, नॉट डिग्रीज बट रेडियंस। तो ऐसा यूनिट इज रेडियंस एंड इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देन नंबर टू, सॉलिड एंगल। सो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का। इफ यू रिमेंबर, आइसक्रीम का कोन तो सब खाते ही होंगे या खाया होगा कभी, अपार्ट फ्रॉम कैलोरी कंटेंट, कोई देखते नहीं हम लोग उसमें कितना कैलोरीज है, वी जस्ट ईट इट एनीवेज। वो जो आइसक्रीम का कोन बचता है लास्ट में, इफ यू सी द बेस इज अ सर्कल, सर्कल मतलब यहाँ पे एरिया, ये एरिया उस कोन के वर्टेक्स पे जितना भी एंगल बनाएगा उसको आप बोलते हो सॉलिड एंगल, इट इज थ्री डायमेंशनल एंगल एंड दिस इज टू डायमेंशनल एंगल। तो सॉलिड एंगल इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से या फिर डी ओमेगा से। तो हियर यू डिफाइन प्लेन एंगल एज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां पे आप बोलते हो इट इज
द एंगल मेड बाय एरिया एट द वर्टेक्स ऑफ अ कोन. तो बाय डेफिनेशन जैसे डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है, वैसे ही यहां पे बाय डेफिनेशन सॉलिड एंगल ओमेगा इज एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ एरिया फ्रॉम द वर्टेक्स. लेट अस से वर्टेक्स इज एट पॉइंट पी. आइसक्रीम का कोन उसका जो बेस है सर्कल, सर्कल मतलब एरिया, वो एरिया जितना एंगल बनाएगा उसको आप बोलोगे सॉलिड एंगल या फिर थ्री डायमेंशनल एंगल. सिमिलरली व्हेन यू लुक एट मून, मून को देखते हो तो मून का आपको क्या दिखता है, डिस्क. डिस्क मतलब क्या, एरिया. तो एरिया जो आपके आई पे एंगल बनाएगा उसको आप बोलोगे सॉलिड एंगल. सो इट इज एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. एरिया इज लेंथ रेस टू टू एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो लेंथ रेस टू टू. मतलब ये भी हो गया आपका डायमेंशन लेस. पर इसका जो SI यूनिट है, डू यू नो व्हाट इज SI यूनिट, स्टेरेडियंस. तो इट इज स्टेरेडियंस. सो दिस इज वन मोर बेसिक डिफरेंस MKS में और SI सिस्टम में. MKS में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, वेयर एज इन SI यू हैड 7. एडिशनली यू हैव टू सप्लीमेंट्री यूनिट एंड दीज टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दे आर डायमेंशन लेस. एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ दिस. अब अगर आपको स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू इफ यू वांट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ पेपर, तो व्हाट यू डू इज सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो. अगर आपको एक ही सिटी में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो देयर आर अदर टेक्निक्स. बट व्हेन यू वांट टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, from earth to some other planet, from earth to some other star. So we use a technique which is called as parallax method. So I am repeating again, yahan pe hum log small distance ke measurement ki baat nahi karne wale, kyunki small distance ka measurement aapko already pata hai. How do you measure? By using a centimeter scale. Large distance jab aap measure karoge, specifically astronomical distances for objects which are फार अवे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे एक स्केल को पकड़ के बैठेगा दूसरा लेके जाएगा फिर वहां पे जाके बोलेगा हाँ इतने हजार किलोमीटर इतने लाख किलोमीटर. पर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज मून टू यू एंड हाउ फार इट इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून. नो नो नॉट लाइट हियर. हाउ मच द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, सम 14 लाख किलोमीटर ओनली. तो पहले तो 14 लाख किलोमीटर लंबा मेजरमेंट टेप बनाना पड़ेगा आपको, फिर एक को बोलना पड़ेगा रुको, दूसरे को नासा से रॉकेट हायर करो, गो एंड मेजर. तो यू कैन नॉट डू दैट. इसके लिए हमको एक इनडायरेक्ट टेक्निक चाहिए, वेरी सिंपल टेक्निक. रियल लाइफ में आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, टेक इंडेक्स फिंगर ऑफ योर हैंड या फिर पेन पेंसिल जो भी होगा. व्हेन यू लुक एट दिस इंडेक्स फिंगर, इसकी जब टिप पे आप देखोगे, इफ यू लुक एट ओनली फ्रॉम वन आई यू सी डिफरेंट बैकग्राउंड, दूसरे आई से देखोगे तो कुछ और ही बैकग्राउंड दिखेगा. सो व्हेन यू लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, देयर इज अपेरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अपेरेंट क्यों, बिकॉज इट अपीयर्स. ऑब्जेक्ट जहां था वही है, सिर्फ मैंने एक आंख से देखा तो मुझे बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है, दूसरे से देखा तो कुछ और दिख रहा है. तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू कैन मेजर डिस्टेंस, एंड दैट मेथड of measuring distance is called as parallax method. Bahut simple sa technique hai. For example, this is the object that I am looking at. Is object ko hum dekh rahe hain and we are looking at this object from, let us say, point A, then from point P. So we are looking at the same object from two different points, from point A and point B. Maan lo ye distance hai r. To ye jo A se B डिस्टेंस यू कैन मेजर, बिकॉज ऑफकोर्स अगर मैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, आई एम लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन आई एंड देन फ्रॉम अदर आई, आई कैन डेफिनेटली मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू आई. तो ये तो आप मेजर कर ही सकते हो, दिस इज मेजरेबल. क्या होगा, कुछ 5-7-10 सेंटीमीटर होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं. तो यू कैन मेजर दिस. और मे बी आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा रह के देख रहा हूँ,
and then I am changing my position from here. I can still measure the distance using some scale. तो ये distance आपको मिल सकता है. ये angle भी measurable होता है. इसको बोलते हैं parallax angle. So this angle is also measurable, easily measurable by some technique. और normally आजकल तो जो instrument आप use करते हो उसी के अंदर marking होता है. 2 degree, 3 degree, 4 degree जो भी होगा. So you can measure this. And then you say, we know that arc length S is, अभी भी बताया था मैंने. What is arc length S? R theta. तो S equal to R theta. तो R equal to S by theta. तो this is how you can measure. और dimensionally check करो. ये distance है, ये भी distance है, ये dimension less है. तो distance equal to distance मतलब correct है. तो basically what you do is, just by measuring parallax angle, and the distance between two points here, you can measure the distance to some other object. So just by measuring the angle between two line of sight, इसको line of sight बोलते हैं. When you look at some object from one direction, उसको बोलते हैं line of sight. So you can, if you know what is the angle between two line of sight, if you know what is the distance between two points from where you are measuring, you can actually measure distance to a object which is far away, right? So this is what you can do. Up. So let us look at how to measure distance to a planet. Simple hai, wahi technique use karna hai, parallax method use karna hai. To kya karenge hum? Earth pe, let us say this is Earth. Hum Earth ke दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले लेंगे. व्हाई डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट? नॉट रिक्वायर्ड. आप एक पॉइंट यहां ले लो, आप एक पॉइंट यहां ले लो, चलेगा. बट प्रॉब्लम यह है कि एंगल इतना छोटा बनता है कि यू कैन नॉट मेजर. सो दैट इज व्हाई हम अर्थ पे दो फार्देस्ट अवे पॉइंट लेते हैं. दैट कैन बी ओनली डायमीटर. एक नॉर्थ पोल से, एक साउथ पोल से. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वी लुक एट दैट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर. वी लुक एट प्लैनेट जुपिटर और हमको जुपिटर तक का डिस्टेंस मेजर करना है. देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि जब आप मेजरमेंट करते हो, इट हैज टू बी साइमल्टेनियस. मतलब ए पॉइंट से और बी पॉइंट से एक ही टाइम पे ऑब्जर्व करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है मैं नॉर्थ पोल पे गया, मैंने जुपिटर को देखा, फिर मैं फ्लाइट लेके साउथ पोल पे गया, फिर मैंने तब वापस से देखा, तब तक जुपिटर का पोजिशन भी चेंज हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक साइमल्टेनियस मेजरमेंट एट द सेम टाइम. Because you cannot be at the same time at two different positions, you have to ask your friend, okay, you observe from there, I observe from here, let us calculate distance from Earth of planet Jupiter. वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, this is all automated. You have to use telescope. बहुत बड़े-बड़े telescope हैं हमारे पास, in which do this. This is, you can say, बहुत simple सा job है to find distances to any planet. So again, same thing. Distance between two points on Earth can be measured. You should know what is diameter of Earth. Oh, radius hai. What is diameter? 12,800 kilometers. So you already know what is arc length. This is arc length. You already pata hai aapko. And as I told you, parallax angle nowadays is measured just with the help of instrument. Telescope mein mounted hota hai. वैसे अदरवाइज आपको पता तो है ना आप कहां देख रहे हो. दिस डायरेक्शन इज व्हाट? दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट. तो यू ऑलरेडी नो कि आप देख कहां रहे हो. तो यू कैन मेजर एंगल, यू कैन मेजर एंगल नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये लाइन को एक्सटेंड करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा, ये एंगल डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन पता है, तो ये एंगल भी पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट. तो एंगल, पैरेलेक्स एंगल का मेजरमेंट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इजिली you can measure. Then again why plane angle ka definition, arc length, kitna arc length, b, distance ab matlab b is equal to d into theta. So d kya aayega? b by theta. So this is how you can measure distance to a planet in our solar system. So easy hai, right? Ab along with distance, सिर्फ डिस्टेंस मेजर करने से काम नहीं होगा. यू कैन ऑल्सो मेजर डायामीटर ऑफ अ प्लैनेट. पैरेलेक्स मेथड का यूज करके हम लोग डिस्टेंस तो मेजर कर ही सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो मेजर डायामीटर ऑफ अ प्लैनेट और ऑफ मून. तो फॉर एग्जाम्पल, मून का डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, एग्जाम्पल लिया है मैंने ये. सो दिस इज
moon over here. So what you will do is, आप अर्थ पे एक ही पॉइंट से डिफरेंस समझ लो. आपको जब डिस्टेंस मेजर करना था प्लैनेट का या फिर मून का, तब आप अर्थ पे दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेते हो. यू लुक एट दैट प्लैनेट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अर्थ. बट जब आपको डायामीटर मेजर करना है, इन दैट केस यू मेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन अर्थ. मून जब देखते तो डिस्क दिखता है ना, तो यू हैव टू लुक एट वन पॉइंट देन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. मतलब आप मून के सर्कमफरेंस पे, सर्कमफरेंस क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मून स्पीयर है, लेकिन जब आप देखते हो तो आपको सर्कल दिखता है. तो मून के सर्कमफरेंस पे, पेरिफेरी पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को व्यू करते हो. लुक एट वन पॉइंट एंड देन यू लुक एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट फ्रॉम द सिंगल पोजिशन ऑन अर्थ. ये एंगल यू कैन मेजर. डिस्टेंस तो आपने ऑलरेडी मेजर किया यूजिंग द टेक्निक दैट आई टोल्ड यू. तो इन दिस केस जब आपको किसी भी प्लैनेट का या फिर मून का डिस्टेंस, सॉरी डायमीटर मेजर करना होगा, तो इन दैट केस इट इज रिक्वायर्ड कि आपको डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, इट इज रिक्वायर्ड कि आपको एंगल पता है. वापिस से वही लॉजिक. वॉट इज डेफिनेशन ऑफ आर्क लेंथ? डी इक्वल टू डिस्टेंस इंटू थीटा. हो गया, यहां पे हमको मेजर ही डायमीटर करना था, डिस्टेंस इंटू एंगल, डन. सो इट विल बी इन मीटर. देन व्हाट इफ आई वांट टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार? अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपको डिस्टेंस टू अ प्लैनेट मेजर करना है, तो आप अर्थ पे ही दो पॉइंट ले लेते हो. यू मेक ऑब्जर्वेशंस, आप एक ही प्लैनेट को अर्थ पे दो अलग अलग पॉइंट से देख रहे हो एट द सेम टाइम. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन इफ आई वांट टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, स्टार इज फार 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 अवे. हाउ फार अवे? जस्ट टू गिव एन आइडिया, डू यू नो व्हाट इज, विच वन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस? सन. टू अर्थ इज सन. विच इज नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम? इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमा सेंटुरी, अल्फा सेंटुरी. उसका डिस्टेंस पता है कितना है? 4.25 लाइट ईयर्स. 4.25 लाइट ईयर्स. यू नो व्हाट इज लाइट ईयर? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? डिस्टेंस, नॉट टाइम. तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर इज वन लाइट ईयर. कैसे मेजर करोगे? सिंपल है. आपको अगर बेसिक पता है, डू यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. Do you know what is distance, velocity into time? Do you know what is velocity of light? 3 into 10 power 8. Time in one year, कितने दिन? हर एक दिन में कितने आर? हर एक आर में कितने मिनट्स? हर एक मिनट में कितने सेकेंड्स? So that is the distance traveled by light in one year. 365 into 10 power 8, मतलब basically 365 into 24 into 60 into 60 into 3 into 10 power 8. ये 1.4 into 10 power something आता है. I don't remember 9 or 10, जो भी आता है. तो the distance traveled by light in one year is one light year. This is in meter of course, क्योंकि ये 3 into 10 power 8 meter है, तो ये meter में है. मैं वापस बता रहा हूँ. Problem ये है. स्मॉल डिस्टेंस के लिए, एज आई टोल्ड यू, जब आपको छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सेंटीमीटर स्केल लो, मीटर स्केल लो, स्क्वायर फीट, फीट का भी आता है, वो मेजरिंग टेप आता है जिसमें फीट लिखा होता है, यू कैन डू दैट. अब प्रॉब्लम है, इफ यू वॉन्ट टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, यू कैनॉट डू इट डायरेक्टली. तो सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ा करना पड़ता है. तो वी यूज ट्रिक्स, मैथमेटिक्स यू कैन से. तो पैरेलेक्स मैथड, तो पैरेलल मेथड में आपको सिर्फ तीन पैरामीटर है. एक है जिस दो पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसका डिस्टेंस, एक अर्थ टू दैट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और एक है पैरेलेक्स एंगल. ये आप मेथड, मतलब यू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, सेम प्लैनेट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अर्थ.
ये ट्रिक सिर्फ सोलार सिस्टम के ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करता है. यू कैन मेजर डिस्टेंस टू मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, वॉट एवर इज देयर इन आवर सोलार सिस्टम. या फिर आप इस ट्रिक का यूज करके यू कैन मेजर डायामीटर ऑफ प्लैनेट्स. गोइंग फर्दर अवे, अगर आपको कोई डिस्टेंस स्टार का मेजर करना है तो नियरेस्ट स्टार ही हमसे 4.25 लाइट ईयर्स दूर है. मैंने ये 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस बताया. 4.25 लाइट ईयर मतलब और मल्टीप्लाई बाय 4.25 होगा. सो इट इज फ्यू करोड़ किलोमीटर्स, ज्यादा नहीं, फ्यू करोड़ किलोमीटर्स. एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन यू लुक एट अ स्टार, मतलब वो लाइट आप जो देख रहे हो उस स्टार से, वो 4.25 साल पहले निकला था, अब हमारे पास पहुंचा है. तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमारे से हजारों लाखों लाइट ईयर दूर है. तो वो आज है कि नहीं है पता नहीं, बिकॉज स्टार्स ऑल्सो हैव अ लाइफ साइकिल. दे जैसे हमारा बर्थ होता है उनका भी होता है, जैसे हमारा टीनेज होता है उनका भी होता है. दे ऑल्सो गो थ्रू फेस ऑफ यंग यूथ, देन दे हैव ओल्ड एज एंड दे डाई. तो जो लाल कलर के आपको स्टार दिखते हैं मोस्टली, तो समझ लो दे आर ऑन द डेथ बेड. आजकल में नहीं लेकिन कुछ 1000 साल में जाएंगे, राइट? तो मे बी चले गए होंगे और हमको पता नहीं, वी डोंट नो. क्योंकि वो गया, जब वो मरेगा तो वहां का लाइट आना बंद होगा, और ऑलरेडी वहां से लाइट आने के लिए 1000 साल लगते हैं. तो ऐसा नहीं यहाँ पे लाइट का बटन बंद किया, लाइट बंद, राइट? सो इतने बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप, इफ यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, व्हाट हैपेंस इज बिकॉज दीज स्टार्स आर वेरी 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 फार अवे. तो व्हाट हैपेंस इफ आई टेक 2 पॉइंट ऑन अर्थ, मैं अर्थ पे ही 2 पॉइंट ले रहा हूं और मैं उस स्टार को मेजर कर रहा हूं जो बहुत ही दूर है. अब बहुत दूर है तो एंगल इतना छोटा बनेगा कि यू कैन नॉट मेजर. देर इज नो इंस्ट्रूमेंट ऑन अर्थ विच कैन मेजर दिस स्मॉल एंगल. तो इसके लिए हमको कुछ और सोचना पड़ा, एंड दैट इज नथिंग बट यू नो अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन. तो वन ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट स्टार जिसका डिस्टेंस मेजर करना है, यू फॉर एग्जाम्पल यू टेक इट ऑन 1 जनवरी, फिर आपको पता है कि 6 महीने बाद एग्जैक्टली अपोजिट, यू नो दिस इज समथिंग बेसिक, आपको पता होना चाहिए अर्थ का ट्रेजेक्टरी अराउंड सन इज इलिप्टिकल. इट इज इलिप्टिकल, ऑफ कोर्स इलिप्टिकल. और आपको पता होना चाहिए जो नियरेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हो पेरिहेलियन, पेरिहेलियन. और जो सबसे पास होता है उसको बोलते हो एफहेलियन. हेलियन क्यों? क्योंकि ये स्टार को हीलियोस बोलते हैं. इफ यू हैव सीन सम मूवीज, आजकल तो बहुत देखते हो ना सब हॉलीवुड, तो उसमें हीलियोस, सन ऑफ क्या बोलते हैं, सन गॉड ऐसा कुछ बोलते हैं ना. हीलियोस मतलब सन. तो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज कॉल्ड एज पेरिहेलियन, एंड द फार्थेस्ट अवे पॉइंट इज कॉल्ड एज एफहेलियन, राइट? व्हाट वी डू इज, ऑफ कोर्स ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन हम एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं. हम बोलते हैं कि चलो एवरेज ले लेंगे. तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस. एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि अर्थ टेक्स एग्जैक्टली 12 मंथ्स टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द सन. तो अब अगर वो ए पॉइंट पे है, इफ द अर्थ इज एट ए पॉइंट, एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ इट विल बी ओवर हियर. तो एक ऑब्जर्वेशन यू विल टेक व्हेन द प्लैनेट इज समवेयर एट पॉइंट ए अर्थ, यू आर लुकिंग एट द स्टार. और दूसरा ऑब्जर्वेशन आप लोगे एग्जैक्टली एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद. इट हैज टू बी एग्जैक्ट 6 मंथ, मतलब 180 डेज रफली रफली. तो नाउ यू नो डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे ए से बी का डिस्टेंस पता था, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना, 12,800. यहाँ पे आपको पता है 1 AU + 1 AU, हाउ मच, 2 AU. तो डिस्टेंस आपको पता है, तो डिस्टेंस कैपिटल डी यू ऑलरेडी नो इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.49 × 10^11 मीटर, मतलब रफली रफली यू कैन से इट इज 10^11 मीटर.
10^8 km roughly. Then this angle, as I told you, parallax angle आप telescope से ही measure कर सकते हो. There are instruments, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको measure करने की. You already know. हमको distance measure करना है to that star. यहाँ पे ये A से B जो distance है, it becomes arc length. A to B is arc length. Arc length by definition is distance into theta. And then from here you get distance equal to AB by theta. But AB you know is 2 astronomical unit upon theta. So this is how you can measure distance to star. Right? वैसे ये भी छोटा पड़ता है. So then we defined parsec. Then we defined kilo parsec. Then we define mega parsec. ठीक है, we will not go into that much of detail. So this is something you know, क्योंकि इस level तक question JE NEET में आते हैं. You need to know this. One astronomical unit is how much? 1.5 into 10 power 11 meter. Okay, so now, good. So that's all about measurement of distance. And we have seen in detail measurement of large distances to a planet, to a star, so on so forth. Ab aage, ab physical quantity. How many of you know what is the meaning of physical quantity? What is a physical quantity? Anything that you can measure is a physical quantity. Distance you can measure physical quantity. Time you can measure physical quantity. Aur kya measure kar sakte ho? Speed, temperature, velocity, acceleration, force, momentum, stress, pressure, area, anything that you can measure is physical quantity. Aur physical quantity ke do categories hai. Ek hai, maine aapko already bataya, the quantities which do not depend on anything, anything matlab on any other physical quantity for the measurement is called as fundamental. Zyada nahi hai yahan pe, length, mass, time, temperature, luminous intensity, 7 fundamental quantities you have. Derived quantities are quantities which depend on fundamental for their measurement. For example, agar velocity measure karna hai to aapko distance aur time dono lagega. Agar aapko acceleration measure karna hai to velocity aur time dono lagega. अगर आप लोगों को फोर्स मेजर करना है तो मास मल्टीप्लाइड बाय ए करना पड़ेगा. सो द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. देन नाउ वी आर गोइंग अहेड विद समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस जितना सिंपल टॉपिक लगता है उतना ही सिंपल तो है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वन इंपॉर्टेंट रीजन. कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम आपको क्रैक करना है, एनी हाउ करना है, पर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है. डजंट मैटर इफ यू नो दिस, इफ यू नो डायमेंशनल एनालिसिस, कम से कम 20% क्वेश्चन तो आप इसी से सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय यू डूइंग सम ट्रिक्स हियर. मैं बताऊंगा व्हाट ट्रिक्स, बट पहले तो डायमेंशन क्या है उसकी बात कर लेंगे. डू यू नो व्हाट आर डायमेंशन? व्हाट आर डायमेंशन? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक बार पढ़ा तो वो यू शुड हैव मेमोरी लाइक कंप्यूटर, कंप्लीटली फिट इनसाइड. व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? सी डिराइव क्वांटिटी क्या था? डिराइव क्वांटिटीज आर क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. तो डिराइव्ड यूनिट्स भी चाहिए, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स थे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, सो ऑन सो फोर्थ. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कुछ लिखेंगे. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ रेस टू वन अपॉन टाइम मतलब टाइम, तो टी रेस टू वन. तो ये टी को ऊपर ले गया तो क्या मिलेगा, एल वन. तो ये जो पावर्स है, द पावर्स टू विच, किसको रेस किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज को. द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड, क्यों किया, टू डिराइव यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. दीज पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशंस. द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस. तो डायमेंशंस आर ओनली पावर्स,
और ये पूरा इक्वेशन अगर आप लिखोगे, इफ यू राइट दिस कंप्लीट इक्वेशन, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन को आप जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, इट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन आर ओनली पावर्स, किसके? फंडामेंटल यूनिट्स के। क्यों किया? बिकॉज वी वॉन्टेड टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी। अब कैसे मिलेगा? सिंपल, लेंथ मतलब एसआई में मीटर, मीटर, और टाइम मतलब सेकेंड। तो सेकेंड रेस टू माइनस वन मतलब मीटर पर, यही है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी इज एल वन टी माइनस वन और नीचे टाइम वन। ये वापस से इसको ले जाओगे तो हो जाएगा टी पावर माइनस टू, ये आ जाएगा आपके पास टी पावर माइनस टू। लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। गुड, तो दिस इज बेसिक अबाउट डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज, मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के। सिंबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट्स बट सिंबल। तो टेम्परेचर के लिए इन सम बुक्स यू विल फाइंड कैपिटल के और यू विल फाइंड थीटा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी किसी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में के इज रिजर्व फॉर समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी के होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट भी के होता है। So that is why some books will use theta and some books will use k. Good. Then, just as an exercise, हमारे पास कुछ physical quantities है, उसका dimensional formula, उसका SI unit सब चाहिए हमको। तो tell me what is the formula for density? Mass upon volume. So density divided by rho is mass upon volume. Dimensional formula for mass is m1. And volume is, what is L raised to 3, length into breadth into height. तो ये L 3 ऊपर जाएगा तो L power minus 3 होगा। तो ये आ गया आपका dimensional formula. SI unit mass मतलब किलोग्राम और length मतलब मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज वॉट यू हैव। सो देन नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अभी हमने देख लिया L1t minus 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन वी हैव जस्ट सीन L1t minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन डू वी हैव समथिंग एल्स? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज m1, एक्सेलरेशन इज L1t minus 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम इज किलोग्राम, एल इज मीटर और टाइम सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप बोलते हैं न्यूटन। सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड एज न्यूटन। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन, याद रखना, दिस इज 1 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। देन इम्पल्स, 11th, those who are 11th, I'm expecting this, क्योंकि just before vacation, impulse हमने, we have seen in detail what is impulse. Force into time, force into displacement is work. Force into time या फिर change in momentum is impulse. तो impulse का formula है या तो F into T या तो फिर dP, change in momentum. Force, force का dimension m1, l1, t minus 2 और time का T1 तो पूरा सॉल्व करने के बाद माइनस वन आएगा यहाँ पे, तो यू विल गेट M1 L1 T-1। यूनिट मास इज किलोग्राम, लेंथ इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड, या फिर फोर्थ इज इन न्यूटन, टाइम इज इन सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी चलेगा क्योंकि फोर्थ इज इन न्यूटन, टाइम इज इन सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड भी चलेगा, या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, m1 l1 t-2 और x मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अगेन l रेस टू 1,
तो यह आ जाएगा आपके पास इन टोटल एम वन एल टू टी माइनस माइनस टू, तो यह आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर, दिस इज न्यूटन दिस इज मीटर, दिस इज न्यूटन मीटर ऑल्सो यू कैन से इट इज न्यूटन मीटर. गुड, देन बाय द वे वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अगर आपको वर्क का फॉर्मूला याद नहीं हो तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला चलेगा. काइनेटिक एनर्जी, डू यू रिमेम्बर? आप सोचने का काम ही नहीं है, यही आने वाला है. This is what you're going to get. Half is a number. Number doesn't have any dimension. M is mass. M raised to 1. Velocity is L1T minus 1. Uska square L2T minus 2. M1 L2T minus 2. Again, it will be kilogram meter square per second square. Potential energy, the same. Potential energy, the same. MGH. M mass is to 1. This is length 1. T minus 2 और H again length 1. तो यहां से आ रहा है M1, यहां से आ रहा है L1, T minus 2, यहां से वापस आ रहा है L1. तो again you will get the same M1 L2 T minus 2 and again the same kilogram meter square per second square. Then heat, the same. Because heat is energy, kinetic energy is energy, potential energy is energy, work is also energy. What about torque? How do you define torque? Again, 11th standard. मैंने अभी अभी torque पढ़ा है आपको. Force into distance. So it has the same dimensions, but it is not the same physical quantity. Torque is a physical quantity which is responsible for rotation of an object. It is not energy. It has the dimensions of energy, but it is not energy. Remember this. Done. Then, this is what I was telling you. Uses of dimensional analysis. This is very important. बहुत काम की चीज है हमारे लिए. Because, of course, ये सब क्यों करना है? Physics में, we do not do anything to waste our time. We do because we need this. So, where do you need this? सबसे पहले, I am starting with basic equation, क्योंकि this is a combined batch of 11th and 12th. तो एक हाथ एग्जाम्पल मैं 12th का लूंगा, बट अदरवाइज आई विल कीप वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स हियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू कंफर्म कि जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं, तो याद रखना फिजिक्स में यू कैनॉट राइट डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी, यू कैनॉट राइट डिस्टेंस इक्वल टू फोर्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, डायमेंशन सेम होने चाहिए. अगर राइट हैंड साइड पे एक टर्म है या दो टर्म है या तीन टर्म है या दस टर्म्स है, तो हर एक टर्म का डायमेंशन शुड बी द सेम. फॉर एग्जाम्पल, काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम. अब ये इक्वेशन डेफिनेटली करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि वेलोसिटी v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है एल वन t minus 1, initial velocity भी velocity है तो L1 t minus 1, acceleration into time at, acceleration is L1 t minus 2 और एक t है तो t 1, तो यह आ जाएगा L1 t minus 1. तो v के, u के और at के तीनों के dimension same है, तो ये equation dimensionally correct. This is important. Why? Because फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गलती से यहाँ पे डिवाइड बाई टू कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इफ आई राइट टू हियर, सो देयर इज नो वे टू कंफर्म कि सही है कि नहीं. डायमेंशनली तो करेक्ट है क्योंकि टू इज डायमेंशन लेस. ए टी के डायमेंशन मतलब यू के डायमेंशन मतलब वी के डायमेंशन. तो यू कैन चेक इफ इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन यू कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस. नंबर वन, तो ये इंपॉर्टेंट है. यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल. अगर आपको 12th का, 11th का, पूरी बुक का कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी इक्वेशन याद है, यू कैन चेक डायमेंशनली इफ इट इज करेक्ट और नॉट. एनी इक्वेशन यू कैन टेक एंड चेक कि डायमेंशनली सेम आता है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल अगेन यूज बेसिक एस इक्वल टू
ड्यूटी प्लस वन हाफ रेडियस स्क्वायर, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस है मीटर में, यू मतलब स्पीड मीटर पर सेकेंड और टाइम इज सेकेंड, कैंसल कैंसल, मतलब यूटी भी इज ऑल्सो मीटर मतलब डिस्टेंस, ए इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम स्क्वायर इज कैंसल कैंसल, तो मीटर मीटर एंड मीटर, तो डायमेंशनली करेक्ट है, गुड। देन सेकेंड यूज इज टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कभी कभी दैट इज वाई 95% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट क्रैक एग्जाम्स लाइक जेईई नीट। प्रॉब्लम क्या होता है कि कन्वेंशनल वे ही सोचते रहते हैं और वी गेट स्टक, नहीं आ रहा है तो छोड़ो उसको और आगे बढ़ो। समटाइम्स वॉट हैपन्स इज आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद है, फॉर्मूला याद नहीं एग्जैक्टली, कीप इट असाइड, मूव अहेड, जब टाइम बचेगा तब ये करना। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके पास एक पेंडुलम दिया है, नाउ ऑल ऑफ यू मोर और लेस नो, 12th को तो पता ही होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी अभी खत्म हुआ है हमारा, तो यू शुड रिमेम्बर कि टाइम पीरियड इज 2π√L/g। देन फॉर एग्जाम्पल कि नहीं याद है तो बना लो विदाउट नोइंग एनीथिंग, व्हाट यू नो इज कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने डिस्प्लेस किया ए पॉइंट पे और छोड़ दिया, व्हाट हैपेंस इज इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब ए से बी फिर बी से वापस ए पे, दिस इज वन ऑसिलेशन, ए टू बी एंड बैक टू ए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज वन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड बेसिकली। तो टाइम पीरियड का अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो क्या करेंगे, व्हाट डू यू नो इज इस पेंडुलम के पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है, पैरामीटर, एक तो लेंथ है, एक मास है, और मैंने ए पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, क्यों नीचे जाएगा, ग्रेविटी, और ग्रेविटी बोलने से बेटर है कि व्हेन यू रिलीज इट इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, व्हेन यू कीप इट हियर एंड रिलीज, तो ये जो पेंडुलम है रिलीज करना, मतलब इनिशियली यू वॉज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वॉज जीरो, आपने रिलीज कर दिया एंड इसका स्पीड बढ़ते गया, मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हमारे पास इन टोटल तीन ही पैरामीटर है जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, लेंथ, मास एंड जी। तो वील अज्यूम, हम मान लेंगे कि टाइम पीरियड जो है डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन जी, बट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वी डोंट नो, मे बी लेंथ इज 1/L, ऐसा भी हो सकता है, मे बी यू कैन ऑल्सो हैव रूट ऑफ एल, हो सकता है, तो इन जनरल हम लोग बोलेंगे ए बी एंड सी। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेस टू सम पावर, मास रेस टू सम पावर बी एंड जी रेस टू सम पावर सी, एग्जैक्ट रिलेशन हमें पता नहीं, हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इन तीनों को कंबाइन कर दोगे, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए, एम रेस टू बी एंड जी रेस टू सी। Then proportionality sign hataya, so you will have to write down a constant of proportionality K, L raised to A, M raised to B and G raised to C. From principle of homogeneity, ठीक है, उससे पहले right hand side पर left hand side पर जितने भी parameter है उसको dimensions के term में लिखो। Left hand side पर क्या है, time period, time के dimensions क्या आते हैं, T raised to 1, length के dimensions क्या आते हैं, L1 raised to A, L raised to A, तो L1 raised to A, M क्या था, mass, तो mass raised to 1 raised to B, G क्या है, acceleration है, what is acceleration, L1 T minus 2 raised to C, तो ये आपको मिल जाएगा। By the way यहाँ पे M और L नहीं है, मतलब M का power और L का power 0 है, T raised to 1 equal to K, and you will have here L raised to 1 raised to A is L raised to A, this is M raised to B, this is L raised to C, T raised to minus 2C, then you will have here as M raised to 0, L raised to 0, T raised to 1 equal to K, M raised to B,
एल रेस टू ए प्लस सी एंड टी रेस टू माइनस टू सी. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है. इन शॉर्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वही राइट हैंड साइड पे होगा. उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मास का जो पावर है वही राइट हैंड साइड पे होगा. मतलब जस्ट कंपेयर द पावर्स, मतलब बी इक्वल टू जीरो गया. देन ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू माइनस सी. और यहां पे वन इक्वल टू माइनस टू सी, वन इक्वल टू माइनस टू सी, मतलब सी इक्वल टू माइनस हाफ. सी इक्वल टू माइनस हाफ तो ए इक्वल टू प्लस हाफ. तो सी अगर माइनस हाफ आया तो आपको पास क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया ए विच इज प्लस हाफ, बी विच इज जीरो एंड सी विच इज माइनस हाफ. अब ये जो आपके पास फॉर्मूला था, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डालो तो टी इक्वल टू के एल रेस टू ए बट ए इज हाफ, एम रेस टू बी विच इज जीरो एंड जी रेस टू माइनस हाफ. तो टी इक्वल टू के एल रेस टू हाफ अपॉन जी रेस टू हाफ, तो टी इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आपको मिलता है, सिर्फ के की वैल्यू आती है टू पाई एंड दैट टू पाई इज कॉल्ड एज विच कॉन्स्टेंट, एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट. एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट विच इज डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. तो यू गेट के इक्वल टू टू पाई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. तो दिस इज हाउ यू कैन derive a formula without knowing anything. 12th you know ki kaise derive hota hai, in reality kaise derive hota hai, you know by using basics of simple harmonic motion. 11th tumko pata nahi lekin fir bhi you can still derive this. And if you know this particular part, second use agar aapko pata hai, so you can crack exams even if you are not prepared. It doesn't mean main bol raha hu prepare mat karte jao, but even if you don't know but you have time, you have left over time, you can just derive formulas. Apne aap hota hai, only basics are required. Then of course third use is to find the conversion factor between one system of minute to another system of minute. जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्रिटिशर्स दे यूज फुट पाउंड, वी नॉर्मली यूज मीटर एंड किलोग्राम, सम पीपल यूज सेंटीमीटर एंड ग्राम. तो अगर आपको कोई एलियन मिल गया तो एलियन को बताना है कि हमारे यहाँ का एक मीटर मतलब तुम्हारे इधर का कितना. तो यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम वन SI सिस्टम टू, मतलब वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. तो यू कैन यूज दिस और सिंपल है. Because you will need, if I ask you, one joule is how many ergs? Seven or five? Seven. If I ask you, how much is one dyne in Newton? One dyne in Newton, not one Newton in dyne. Ten, one Newton is 10^5 dyne. So first of all, convert कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए. You want to find out, let us say, आपको देखना है कि एक न्यूटन मतलब कितना डाइन. तो x डाइन, वन न्यूटन इज x डाइन. x क्यों, अननोन है इसके लिए x. यू कैन यूज y, z, आपकी मर्जी, जो लिखना हो वो लिखो. नाउ देर आर टू वेज, एक ऑफ कोर्स लंबा वाला मेथड है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, एक शॉर्टकट है वो भी बता दूंगा, बट वेट अ मिनट. चाहे वो न्यूटन हो चाहे वो डाइन हो, बोथ आर फोर्स. फोर्स का डायमेंशन पता होंगे, पता है m1 L1 T minus 2 equal to x M1 L1 T minus 2. But wait, ये था SI system, ये था CGS system. तो SI को मैं suffix 1 1 use करता हूँ और इसको 2 2 and 2, क्योंकि दोनों system अलग अलग है. इसके लिए M1 raised to 1, L1 raised to 1 and T1 raised to minus 2. 1 मतलब SI system, 2 मतलब CGS. तो आपको मिल जाएगा x. कैसे, तो सिर्फ ये जो ब्रैकेट है आपका, इसको उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दो. तो m1 रेस टू 1, l1 रेस टू 1, t1 रेस टू माइनस 2 अपॉन m2 रेस टू 1, l2 रेस टू 1 एंड t2 रेस टू माइनस 2. देन
मास मास सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी इसको एक ही ब्रैकेट में दोनों का पावर वन था, लेंथ लेंथ सेम फिजिकल क्वांटिटी पावर वन था, टाइम टाइम सेम फिजिकल क्वांटिटी पावर है माइनस टू। एम वन मतलब मास इन एसआई सिस्टम किलोग्राम, मास इन एसआई इन किलोग्राम। एम टू मतलब मास इन सीजीएस विच इज ग्राम रेस टू वन। लेंथ मतलब मीटर और दिस इज सेंटीमीटर, सेकेंड एंड सेकेंड। ये बेचारा कभी परेशान नहीं करता। कैंसल एनीथिंग रेस टू वन इज वन राइट, तो सेकेंड सेकेंड कैंसल हो गया, वन रेस टू माइनस टू इज अगेन वन। देन हियर वन किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम्स, थाउजेंड ग्राम्स अपॉन ग्राम रेस टू वन। वन मीटर मतलब हाउ मेनी सेंटीमीटर, हंड्रेड अपॉन सेंटीमीटर, कैंसल 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 कैंसल, इसका पावर था वन, तो टेन पावर थ्री और टेन पावर टू टेन पावर फाइव, तो वन न्यूटन इज टेन पावर फाइव डन। दिस इज वन मेथड। मेथड नंबर टू ऑल्सो एग्जिस्ट, ज्यादा सिंपल है। वन न्यूटन, न्यूटन अभी अभी मैंने बताया कहां गया, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वन न्यूटन मतलब वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्योंकि फाइंड करना है ना, इक्वल टू एक्स डाइन। वन न्यूटन इज एक्स डाइन, एक्स डाइन व्हाट इज डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किलोग्राम, ये ग्राम, ये मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर गया। वन किलोग्राम इज टेन पावर थ्री ग्राम, वन मीटर इज टेन पावर टू सेंटीमीटर इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर गया, तो x इक्वल टू 10 पावर हो गया। वो इतना लंबा करने से तो ये भी फास्ट होता है, तो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर डायरेक्टली थ्रू यूनिट्स इफ यू नो, नहीं पता तो फिर डायमेंशन यूज करो। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। वेल इम्पॉर्टेंट इज नॉट दिस, इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि SI सिस्टम CGS से बड़ा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर राइट, वन न्यूटन मतलब 10 पावर 5 डाइन, वन जूल इज 10 पावर 7 अर्थ, वन टेस्ला 10 पावर 4 गॉस। याद रखना, जब मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो तो 10 का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज SI सिस्टम इज बिगर सिस्टम, लार्जर सिस्टम कंपेयर टू CGS। उल्टा करना है तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो 10 पावर माइनस 2, अगर 1 डाइन को लिखना है न्यूटन में तो 10 पावर माइनस 5। तो ये हमेशा याद रखना, तो कन्वर्जन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो विच वन इज अ लार्जर सिस्टम ऑफ यूनिट, SI, इसी के लिए तो उसको बनाया है ना, क्योंकि सेंटीमीटर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, दैट इज व्हाई वी डिराइव्ड दिस, वी मेड दिस सिस्टम। सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारे साइंटिस्ट यूरोप में एक जगह पे मिलते हैं, बहुत सारा झगड़ते हैं, फिर वोटिंग होता है, फिर वोटिंग में सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट जिसके एक्सेप्टेड हो वो यूनिट बन जाता है। ऑफकोर्स मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट, चिल्लाने से नहीं, मैंने जोर से चिल्लाया एक्सेप्टेड। ओके सो नाउ एरर, लेट अस मूव अहेड। एंड बाय द वे देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस, कहां कहां पे यूज नहीं करना है, हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हो ऑफकोर्स, कहां कहां यूज नहीं करना है। नंबर वन, ये जो हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया, यहां पे ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट था, इसके लिए डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई कर सके। अगर ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनल कांस्टेंट हो, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, वो डायमेंशन लेस नहीं होता, इट हैज डायमेंशन, तो वहां पे यू कैन नॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस। तो नंबर वन, limitation number one, the value of dimensional constant first of all can be obtained only from experiment, maine bataya k equal to 2 pi aata hai. Number two, dimensional analysis can be used only if, it cannot be used if the constant is not dimensionless,
तो जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो डायमेंशन लेस होना ही चाहिए, नहीं तो यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट। देन नंबर थ्री, यू कैनॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस व्हेन फंक्शंस लाइक साइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड हो, तो यू कैनॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज साइन ऑफ वॉट, साइन ऑफ अ नंबर, साइन ऑफ अ एंगल, कभी सुना है क्या साइन ऑफ 10 meters? नहीं। तो साइन ऑफ एंगल, एंगल इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस, ऊपर से उसका साइन, व्हाट इज साइन 45? 1/√2, साइन 0, साइन 90, ये सारे नंबर है। तो जब डायमेंशंस है ही नहीं तो डायमेंशन एनालिसिस कहां से यूज करोगे? व्हाट इज लॉग ऑफ 10? अगेन अ नंबर, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1। व्हाट इज फॉर एग्जांपल 10^2, 100, मतलब एक्सपोनेंशियल वापस से एक नंबर है। अब जब डायमेंशन ही नहीं है तो कैसे डायमेंशन एनालिसिस यूज होगा? तो दिस इज व्हाई यू कैनॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस व्हेन देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व, व्हेन यू हैव लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, देन कम्स द रियल थिंग, आई मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर एनालिसिस ही है इस चैप्टर में। सीधा बैठो, आई विल नॉट लेट यू स्लीप। एरर, व्हाट डू यू मीन बाय एरर? वो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपसे गलती हो गई, वो नहीं। एरर इन फिजिक्स, एरर इन मेजरमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज नॉट एरर। व्हाट इज एरर? हाउ डू यू डिफाइन एरर इन अ मेजरमेंट? और एरर तब होगा जब मेजरमेंट करोगे। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू, या फिर उसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हो, एंड द मेजर्ड वैल्यू। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली यही एग्जाम्पल लेता हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ मार्केट, यू बाय अ बॉल फॉर एग्जाम्पल, और उस पर लिखा है कि ये 10 centimeters इसका डायमीटर है, राइट? देन यू आर क्यूरियस टू नो कि सच में 10 है कि नहीं, यू यूज अ स्केल। तो बाय द वे, ट्रू वैल्यू उसका मैं बोल देता हूँ लेट अस से ए है, ये 10 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द सेलर, लेकिन आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, आपने रीडिंग लिया ए डैश, वो आया 9.9 centimeters, राइट? तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू विच इज 10 - 9.9, विच इज 0.1 centimeters, दिस इज नथिंग बट एरर इन द मेजरमेंट, राइट? गुड। Now what happens is, most of the times, मान लो हमको true value पता ही नहीं है, कैसे पता होगी? For example, if I am walking on the street, और आपको पता होगा आपके साइकिल में पहले वो अभी भी होता है बॉल बेरिंग, छोटे छोटे स्टील बॉल्स, यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आपको एक स्टील बॉल मिल जाए, आपने उठा लिया खेलने के लिए, ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू प्ले विथ इट, देन ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ क्वेश्चन, कह रहे इसका डायमीटर कितना, एंड यू ऑल्सो हैव माइक्रोमीटर स्क्रू गेज टू मेजर, and I'm expecting कि आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पता है। How many of you don't know? If you don't know, it's okay. Just tell me if you don't know. All right. So let us keep this aside for a while. आपका जो normal centimeter scale होता है, normal मतलब जो आप normal 5-10 रुपए में लेके आते हो वो, right? So in that, if you see zero marking के बाद 0.5 के बीच में यू हैव एग्जैक्टली 4 markings, मतलब द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक इज 0.1 centimeters, 0 से 0.5 सेंटीमीटर के बीच में 4 markings है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, देन 0.4 एंड देन 0.5, तो मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक इज 0.1 centimeters, इसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं वैसे। द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक using an instrument is called as least count of that instrument. इसको accuracy भी बोलते हैं instrument का, और जितना accuracy होता है उतना error भी होता है, right? तो बाद में देखेंगे, but you need to understand this.
अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, फॉर एग्जाम्पल द इशू हियर इज, मान लो आई हैव आई वॉन्ट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, मुझे मेजर करना है डिस्टेंस ए और बी पॉइंट का, एंड ये आ गया आपका जीरो, यहाँ पे आ गया आपका 0.1, 0.2 एंड 0.3। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्केल है या तो आपको 0.2 बताएगा या तो आपको 0.3 बताएगा, क्योंकि इतना एक्यूरेट है नहीं कि वो बी पॉइंट जो है एग्जैक्टली वो 0.2 और 0.3 के बीच में आ गया। तो इफ यू टेक मेजरमेंट यूजिंग दिस स्केल यू विल गेट एरर विच इज 0.1 सेंटीमीटर। मैंने इसके लिए बोला जितना एक्यूरेसी होता है उतना ही एरर होता है, राइट, क्योंकि ऑफकोर्स द रीडिंग इज बिटवीन 0.2 एंड 0.3। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, या तो 0.2 लिखोगे या तो 0.3 लिखोगे, मतलब एरर कितना 0.1 का एरर। इफ यू वॉन्ट मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, एक स्केल से चलेगा नहीं, तो यू हैव टू टेक टू स्केल्स, टू स्केल सिस्टम, उसमें एक होता है मेन स्केल जिसको आप नॉर्मली इट इज इन सेंटीमीटर, तो ये जो मेन स्केल है इट इज नॉर्मली इन सेंटीमीटर्स मेन स्केल। इसके नीचे और एक स्केल होता है, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ इट, जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, इसके नीचे और एक स्केल होता है, और जो मेन स्केल है, मेन स्केल इज जस्ट लाइक नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल। तो जो आपका मेन स्केल है वहां पे भी मार्किंग है, जीरो है, फिर 0.1 है, फिर 0.2 है, सो ऑन सो फोर्थ। और ये जो नीचे का स्केल है यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, सम स्केल विल हैव 10 लाइन, सम विल हैव 50 लाइन, सम विल हैव 100 लाइन। इसको आप बोलते हो वर्नियर स्केल, इसको आप बोलते हो मेन स्केल। अब जब आप रीडिंग लोगे, रीडिंग कैसे लेते हैं आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, जब लगेगा तब बता दूंगा, बट फॉर नाउ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 0.2 से 0.3 इसके बीच में ही कुछ नहीं मेजर कर सकते, यू कैन मेजर इधर 0.2 और 0.3, बट नाउ इफ यू यूज दिस टू स्केल सिस्टम यू कैन गो अप टू 0.25। मतलब बेसिकली पहले केस में एक्यूरेसी था 0.1 का, यहां पे आ गया 0.0। तो लीस्ट काउंट जो है इट इज, मतलब दिस टू स्केल सिस्टम इज मच मोर एक्यूरेट कंपेयर्ड टू वन स्केल सिस्टम, इसको बोलते हो वर्नियर कैलिपर। ऐसा ही होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसका एक्यूरेसी और एक से बढ़ता है, तो 0.001 यहां तक जा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में दोनों में दो दो स्केल है, एक एक को बोलते हो मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर में दूसरे को बोलते हो वर्नियर स्केल, और वहां पे बोलते हो सर्कुलर स्केल। वो मेजरमेंट हम बाद में देखेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अभी जरूरत नहीं है उसका। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ एरर। ये चलते फिरते रास्ते में कहीं मिल गया, उठा के लाए, इस पर लिखा तो नहीं था ट्रू वैल्यू कितना, यू डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट विल यू डू इज मेजर करो। तो फॉर एग्जाम्पल यू टेक वन मेजरमेंट और दिस टर्न्स आउट टू बी सम वैल्यू 2.10 सेंटीमीटर, मान राइट। फिर आपके फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं तेरा चाइना वाला स्केल, आई हैव अ बेटर वन मेड इन इंडिया, मेरा यूज करके देख। तो ये किया यूज एंड यू गेट 2.1, राइट। फिर तीसरा ने बोला अरे मैंने फॉरेन से लाया, तो नॉट चाइना नॉट इंडिया, तो उससे मेजर किया तो यू गेट 2.12। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं था, तो दे स्टार्ट फाइटिंग, मेरा सही मेरा सही, देन झगड़ा खत्म करना है तो काम करो मीन ले लो। तो जो मीन वैल्यू आएगा दैट इज टेकन टू बी एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, करेक्ट। हाउ डू यू डिफाइन एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू पता नहीं था तो आपने 3, 4, 5, 10 रीडिंग लिए, उसका मीन ले लिया, उसको बोल दिया ट्रू। अब प्रॉब्लम यह है कि एरर के लिए क्या करते हो आप, ट्रू वैल्यू मतलब यहां पे ट्रू कौन सा है, एवरेज मीन, इसमें से आप माइनस करते हो मेजरमेंट को, मेजरमेंट भी 3 है, वहां पे झगड़ा चालू, नहीं मेरा मेजरमेंट तेरा मेजरमेंट। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं तीनों का ही, चलो ठीक है ऐसा बोल देंगे, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट रीडिंग, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेकेंड रीडिंग, एंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थर्ड रीडिंग।
वापस से प्रॉब्लम ये आता है यहाँ पे दैट मे बी डेल्टा ए वन इज पॉजिटिव, हो सकता है पॉजिटिव है, हो सकता है बाकी नेगेटिव है, इसके लिए हम बोलते हैं कि चलो ठीक विल टेक मॉड, मॉड को रियल नेम है एब्सोल्यूट, दैट इज व्हाई दिस एरर आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर्स. सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग. वापस प्रॉब्लम, अभी एरर भी तीन आ गए, फिर कौन सा एरर लेंगे, तीनों का मीन, तो उसको बोलते हो मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन ऑफ ऑल द एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. तो जस्ट टू फॉर अ क्विक रिकैप, प्रॉब्लम था ट्रू वैल्यू नहीं पता था, इसके लिए हमने मल्टीपल रीडिंग्स लिए, उसका एवरेज ले लिया, उसको बोल दिया ट्रू वैल्यू. फिर एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू में से आप एरर को, सॉरी मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हो, लेकिन मेजर्ड वैल्यू तीन थे तो एक एक बार तीनों को माइनस कर लिया, राइट. अब एक एरर पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, हो सकता है एक जीरो भी आ गया, तो हम बोलेंगे ठीक है वी डोंट वांट टू टेक नेगेटिव, वी विल टेक मॉड, मॉड मतलब एब्सोल्यूट, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. अब तीन एब्सोल्यूट एरर है, मुझे अगर मेजरमेंट, मुझे कैलकुलेशन करना है तो मुझे वहां पे एरर की वैल्यू यूज करनी है, तो कौन से यूज करेंगे, पहले दूसरे की तीसरी तीनों का एवरेज, तो दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. तो डिफाइन करना है सिंपल, द मीन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर. नाउ इफ यू डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, इसको आप बोलते हो रिलेटिव एरर, या फिर इसको बोलते हो फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि ये फ्रैक्शन आता है. ऑफ कोर्स एरर कितना आएगा, 0.01 0.001 ऐसा ही कुछ आएगा. रीडिंग कितना आएगा, 2.1 समथिंग समथिंग, राइट. तो ये फ्रैक्शन है एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन वन. तो रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन, उल्टा नहीं, समटाइम्स उल्टा लिख देते हैं. उल्टा लिखने का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एरर था 0.01, मीन वैल्यू था 2, आपने उल्टा लिख दिया. व्हाट दिस मींस, इट इज 10 पावर माइनस 2 अपॉन 2, मतलब 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, राइट. उल्टा लिखने का मतलब क्या होता है, उल्टा लिखने का मतलब होता है 2 इंटू 10 पावर, क्योंकि 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस होगा, तो कितना 200. आपका रीडिंग कितना था 2, एरर कितना है 200. कैन नॉट हैपन. ऑफ कोर्स मैं मेजर करने गया था, 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो था 1 सेंटीमीटर, वो मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल यूज किया उसमें एरर है 100 सेंटीमीटर. कैन नॉट मेजर एनीथिंग फ्रॉम दैट स्केल. तो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड मोस्टली एरर्स, रिलेटिव एरर, दे आर नॉर्मली रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट विल बिकम परसेंटेज एरर. सो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज एरर, राइट. ओके, तो दिस इज सो सिंपल थिंग. नाउ ये एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू. एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मोर देन 2 रीडिंग्स, एवरेज लो, उसको बोलो ट्रू वैल्यू, उसमें से हर एक को सब्ट्रैक्ट करो और टेक मॉड एंड कॉल दिस एज एब्सोल्यूट एरर. सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन लो, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज परसेंटेज एरर. देन कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ये तो ह्यूमंस के लिए बाय डिफॉल्ट है. बीच में एक मीम बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है, यू नो, वन पर्सन टेल्स टू अनदर, मैं तेरे को ये बता रहा हूं तो किसी को मत बताना, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया मिर्च मसाला लगा के, मैं तुझे बताया तो किसी को मत बताना. सा जैसे जैसे प्रपोगेट होता है एरर भी प्रपोगेट होता है, बढ़ते जाता है. इन दैट केस ह्यूमंस केस में इट गोज ऑन इंक्रीजिंग.
हेयर इज द सेम थिंग. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन मेजरमेंट, मैंने दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, उसको बोल दिया ए, राइट. मेजरमेंट किया तो एरर होगा ही, और लिखते कैसे है उसको, उसको लिखते हैं 2.11 फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 0.01, मतलब वैल्यू इज 2.11 और एरर इज 0.01, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब द वैल्यू कैन वेरी बिटवीन 2.10 टू 2.12, एरर या आपको एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा नंबर दे सकता है या फिर लेस. अगर आप ऐड करोगे तो मिलेगा 2.12 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2.10. तो बेसिकली ये लिखने का तरीका है, दिस इज एरर एंड दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, करेक्ट. ये मैंने एक डिस्टेंस मेजर किया था, फिर मैंने दूसरा डिस्टेंस मेजर किया, पहला डिस्टेंस मेजर किया तो उसमें एरर, तो ये ए है, दूसरा डिस्टेंस मेजर किया तो उसमें भी एरर, मान लो उसमें भी एरर है. अब हम इन दोनों मेजरमेंट को ऐड कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू इट्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बात आगे बढ़ती है. तो यहां पे भी वैसा ही है, ए में एरर था, बी में एरर था, आपने ए और बी को ऐड किया, नया नंबर बना लिया जेड, तो जेड में भी एरर होगा. इफ देयर इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी एंड यू आर एडिंग ए एंड बी, देन देयर विल बी मेजरमेंट इन द एडिशन एंड दैट इज डिनोटेड बाय जेड. सो एरर इन जेड इज गिवन बाय, याद है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. एक्चुअली चार वैल्यू मिलती है आपको, यू गेट फोर वैल्यूज इन रियलिटी आफ्टर सॉल्विंग, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस बिकॉज एज यू नो दिस इज जस्ट अ रिवीजन सेशन. यू गेट इन रियलिटी फोर वैल्यूज, यू गेट -Δ A -Δ B -Δ A + Δ B + Δ A -Δ B एंड +Δ A + Δ B. फिर आप बोलते अरे एरर है, कितना ही, क्या ही फर्क पड़ेगा इफ आई टेक द मैक्सिमम वैल्यू, देयर आर फोर वैल्यूज, एरर छोटा छोटा होता है 0.001 0.01 0.0001. तो व्हाट यू डू इज आप चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू जो होता है उसको मान लेते हो एरर मैक्सिमम, दिस इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, राइट. तो जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कब कर सकते हो, व्हेन दे आर ऑफ द सेम टाइप, दोनों डिस्टेंस, दोनों वेलोसिटी, दोनों के दोनों फोर्सेस तब. तो व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज, एरर इज ऑलवेज एडिशन. आप चाहे a प्लस बी करो या फिर a माइनस बी करो, एरर इज ऑलवेज डेल्टा a प्लस डेल्टा b. a माइनस बी का एरर डेल्टा a माइनस डेल्टा b नहीं लेते, हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. देन ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड ऑल्सो. आप a इंटू बी या फिर a अपॉन b करो या फिर b अपॉन a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर. इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्टली एरर मेजर ही नहीं कर सकते, यू हैव टू ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर. जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप बोलते हो एरर इन z, ओके डन, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड यू हैव टू ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर. कैसा था फ्रैक्शनल एरर, याद है, डेल्टा मतलब एरर अपॉन मीन, तो एरर अपॉन मीन, तो डेल्टा जेड बाय जेड, दिस इज ऑलवेज डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, इरिस्पेक्टिव ऑफ ए इंटू बी है या ए अपॉन बी है या बी अपॉन ए है, इट इज ऑलवेज डेल्टा ए प्लस ए, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ऑलवेज एंड ऑलवेज. तो दिस इज सो पावरफुल. अगर मेरे पास z इक्वल टू ए क्यूब हुआ, देखा क्या ऐसा फॉर्मूला कहीं, वॉट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एल क्यूब, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब. अब क्वेश्चन ऐसा आता है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 0.1, वॉट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम,
थ्री इंटू, क्यों ऐसा? मैंने अभी भी बताया आपको बाय रूल, अगर यहाँ पे थ्री भी है तो व्हाट यू विल डू इज, आप देखोगे ए इंटू ए इंटू ए, तो बाय रूल डेल्टा जेड बाय जेड मल्टीप्लीकेशन हो तो भी इंडिविजुअल क्वांटिटीज का फ्रैक्शनल एरर का एडिशन ही होगा बाय रूल। ये रूल मैंने अभी बताया, ए इंटू बी है तो भी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या ए जेड इक्वल टू ए क्यूब मतलब जेड इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, मतलब थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए, राइट। तो दिस इज जनरल रूल। अब इसके और आगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव समथिंग लाइक a raise to m b raise to n upon c raise to p, एक क्वांटिटी है z which you are making from a b and c, a का पावर m b का पावर n c का पावर p, तो इस केस में डेल्टा z by z will be equal to m into delta a by a plus n into delta b by b plus dot minus p into delta c by c, ऑलवेज, चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो। और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। देन यू शुड नो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? ऐसा बुक में लिखा होता है the digits which are important, which are significant in a reading are called as significant figures. But what do you understand by that? The idea is, example, physics समझना है तो keep on taking as many examples as you can, क्योंकि यही एक तरीका है समझने का। Forget about language of book. अब problem ये है कि for example, as I told you, मैंने एक reading लिया जो मुझे मिला 2.1, या फिर फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, आपके पास अगर नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है, ये है 2.1, ये है 2.2, और मेरे पास जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके स्केल का लिमिटेशन है, आपका स्केल यहां पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। That is the problem here. You cannot go beyond 2.1. 2.15 लिख नहीं सकते आप, क्योंकि स्केल में मार्किंग ही नहीं है, तो यू कैनॉट डू इट। अब यू डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, इसका मीन ले लेते हैं, 2.1 प्लस 2.2 अपॉन 2, 4.3 बाय 2, विच इज 2.15 मीन वैल्यू। आपको श्योरिटी किसका है? आपको पता है कि पक्का 2 आने वाला है, फिक्स, this is what you know. Then are you sure about 1? Yes, kyunki 2.1 se 2.2 ke beech mein hai. This is something which you are not confident about. Kyun nahi? Scale mein marking hi nahi hai, main kaise bata sakta hu surety se? I cannot tell because there is no marking here, right? Okay, so significant figures ka by definition they write somewhere. Do you remember at least 11th standard this side significant figures mein ek statement tha, the number of digits about which you are certain, so number of digits which are certain plus one digit which is uncertain. Aisa kyun? Kyunki 2 aur 1 to certain hai, और एक डिजिट लेना पड़ेगा अबाउट विच यू आर अनसर्टन। व्हाई? बिकॉज दिस लास्ट डिजिट टेल्स यू एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, प्रॉब्लम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों लगेंगे? एग्जाम्पल, आप एक रीडिंग ले रहे थे, एक रीडिंग मिल गया 2.1, 2.12, ठीक है, 2.12 और 2.10 मान लो। Now you take average. What is average of 2.10 and 2.12? 4 point. Mera ek reading tha 2.10, dusra reading tha 2.12. What is average?
2 point this and this. What is average? 2.11. Very good. 2.11. Okay, excellent. So in this case, first of all, you need to decide which two are certain. कौन से दो certain हैं? Two. ये certain है. Uncertain कौन सा है? तो by definition, significant figures are certain digits. मतलब ये दो certain थे. Plus one uncertain. कौन सा uncertain? This one. क्यों ऐसा? अरे क्योंकि ये accuracy बता रहा है ना आपको. देखो यहाँ पे 2.10 का लिखने का मतलब क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट 0.01 तक मेजर कर सकता है. यहाँ पे 2 इज टेलिंग यू दैट योर इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 0.01. इसके लिए दो सर्टन, क्योंकि ये सर्टन है, हम श्योर है, वी आर श्योर कि 2.1 तो आने ही वाला है. एक्स्ट्रा एक क्यों लिया? क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना है. दैट इज व्हाई यू आर सपोज टू टेक वन अनसर्टन ऑल्सो. ओके, दिस आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर. अगर आगे और एक आता तो आप नहीं लेते उसको, तो तेरा देख ले, गो अवे. ओके, राइट, देयर आर रूल्स. अब प्रॉब्लम ये है कि नॉन जीरोस का प्रॉब्लम ही नहीं है. एक रीडिंग में फॉर एग्जांपल यू टेक अ मेजरमेंट 2.102300, ऐसा कुछ एक मेजरमेंट है. नॉन जीरोस आर ऑल सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है. 1, 2, 3 और 4, ये चार तो है ही. प्रॉब्लम है विथ जीरोस. तो रूल्स आप देखोगे तो मैक्सिमम जीरोस के बारे में बात करेंगे. नंबर वन, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. नंबर टू, अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट. ये जीरो ये दो नॉन जीरो के बीच में आ गया क्या? यस, तो ये इट इज सिग्निफिकेंट. देन रूल नंबर थ्री, लीडिंग जीरोस आर not significant. For example, what is the difference if I write 1 or if I write 01 or if I write 001, if I write 000, kya farak padta hai? Nothing. So that is why leading zeros are not significant. Trailing zeros to the right of the decimal is significant. Trailing zero, first of all, trailing zero matlab baad mein aane wala, to the right of decimal, decimal ke राइट में. क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये आपको लीस्ट काउंट बता रहा है. जैसे मैंने आपको अभी बताया, इफ आई राइट डाउन 2.10, अरे इसका मतलब एक्यूरेसी समझेगा ना आपको, 0.01 का एक्यूरेसी. तो इफ आई राइट डाउन 2.0, तो 2.0 का मतलब क्या? योर स्केल कैन मेजर विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.1. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल. डेसिमल नहीं हुआ तो नहीं बोल सकते. इफ यू राइट, सी, आपने अगर 1 लिखा है तो एक ही सिग्निफिकेंट है. अगर आपने 1.0 लिखा है तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? व्हिच इज नॉट अ फ्रैक्शन. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is not a fraction, is whole number, or which is not a real number is whole number. ठीक है, whatever it is. तो अभी whole number without decimal shown is not significant. वो देखो, trailing zero in a whole number. For example, 10. This is whole number? Yes. Trailing zero है? Yes. But significant नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे decimal नहीं बताया. The moment you put a point here, it becomes significant. So, yaad rakhna, trailing zero in a whole number without decimal is not significant, but trailing zero with decimal is significant. So, uske baad, when you write a number in scientific notation, for example, what is scientific notation? Simple. Simple, simple. Scientific notation, for example, what is mass of electron? What is charge on electron? 1.6 into 10 power. इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. व्हेन यू राइट अ नंबर, किसी भी नंबर को आप a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू n के फॉर्म में जब लिखते हो, दैट नोटेशन इज कॉल्ड एज
साइंटिफिक नोटेशन, बट अंडर अ रूल, ये ए, दिस ए शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन इक्वल टू 5, तभी चलेगा, नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना 16 × 10⁻², नॉट एक्सेप्टेबल। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हो, मेक श्योर ये जो ए है इट इज बिटवीन 0.5 एंड 5। यहाँ पे 1.6 लिखा आपने, तो 1.6 से 0.5 और 5 के बीच में आता है क्या? यस, तो करेक्ट है, × 10⁻¹¹। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10 के पावर का कोई काम नहीं है। फिर जो ये पार्ट बचा, मतलब ए जो बचा, इस ए के लिए वापस से 6 रूल लगाओ, जो 6 रूल अभी अभी आपने देखे, ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, सो ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 तो है ही, राइट, देयर इज नो 0, नो प्रॉब्लम। अगर यहां पे 0 होता तो फिर वापस से 0 के रूल, अगर ऐसे लिखा होता 0.16, फिर ये लीडिंग 0 इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता 1.06, तो 2 नॉन जीरो के बीच में है तो इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन यू राइट ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट इन फॉर्म ऑफ n × 10⁻¹, वेयर ए इज बिटवीन 0.5 एंड 5, और 10⁻¹ इज नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यू हैव टू यूज दोस 6 रूल्स अगेन, ऑल द नॉन जीरोस significant, 0 between 2 non-zero significant, leading zeros not significant, trailing zeros ki jab baat hogi, then in that case if there is decimal shown whole number mein, then it is significant, otherwise not significant. Good, then last thing from this chapter is there is something called as order of magnitude. Problem ye hai ki physics mein itne sare constants hai, bahut bade aur bahut chote, bahut bade jaise, for example, I just told you, what is one light year? What is one astronomical unit? 1.5 × 10⁻¹¹. Or bahut bade mass of Earth, 16 × 10⁻²¹¹. Bahut chote mass of proton, charge on electron, charge on proton. To har bar exact number, exact value yaad rakhna possible nahi hota hai. Maybe in few years from now, आपको नींद में भी याद रहेगा व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी पूछूंगा तो नहीं याद आएगा व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 6 point something × 10⁻¹¹. राइट, तो स्पेशली फॉर जेई नीट यू डोंट नीड एग्जैक्ट नंबर, जरूरत ही नहीं है हमको एग्जैक्ट नंबर की, सिर्फ 10 का पावर कितना। तो सबसे पहला रूल, एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। रूल नंबर 1, कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट, किलोमीटर ऐसा है क्या? नहीं, तो पहले कन्वर्ट करो, तो आर इक्वल टू 6400 × 10³ मीटर। देन रूल नंबर 2, राइट डाउन दिस इन साइंटिफिक नोटेशन, बट साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू होनी चाहिए 0.5 से 5 के बीच में, तो ये 0.64 × 10⁴, क्योंकि ये 4 है, करेक्ट, और ये 10³, मतलब 0.64 × 10⁷। ए को छोड़ दो, 10 का जो पावर है, क्या पावर है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ रेडियस, 7, नॉट 10⁷, इट इज 7. What is order of magnitude of charge on electron? −19. What is order of magnitude of mass of Earth? 6 × 10⁻¹¹. So 0.6 × 10⁻²¹¹. So 25. What is order of magnitude of mass of proton? Proton. −27. 1.67 × 10⁻²¹¹. Right? So that's the end of theory part of this chapter.